हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। आज मैं आपका ट्यूटर अबरार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्वेंस 6 डे 14 वर्ड पैक। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, मेन्यू बार वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम लोग को वर्ड पैड कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले विंडोज पे जाइए, जैसे मैं बताता हूँ। वर्ड पैड आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है। अब वर्ड पैड लिखोगे तो देखिए आपको वर्ड पैड आ जाएगा। ठीक है, एक और जो है यहाँ पे आप जाके वर्ड जो एक्सेसरीज़ है, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स पे जाके एक्सेसरीज़ का फोल्डर जो है यहाँ पे आके आप वर्ड पैड यहाँ से ले सकते हो। जैसे यहाँ पे वर्ड पैड दिया है। एक और जो है वो है रन कमांड की यूज़ से, जो रन कमांड का वो है शॉर्टकट की है वो है विंडोज़ आर, जिस पर आप जाके लिख सकते हो। यहाँ पर आप अगर वर्ड पैड लिख दोगे तो आपका वर्ड पैड आ जाएगा। ये आपका वर्ड पैड का सिंपल इंटरफेस है, जिसमें आपको सबसे पहले जो ये है, ये इसको आप टाइटल बार बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है ये मेन्यू बार है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे जो है इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं, जहाँ पे हम लोग ये लिखने वाले टेक्स्ट इसको हम लोग पेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते कि ये होम में क्या क्या है। सबसे पहले जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, फिर उसके बाद फोन्स का ऑप्शन है, फिर पैराग्राफ का है, फिर इंसर्ट वगैरह का ऑप्शन है, फिर लास्ट में आता है एडिटिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट लेने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड पैड में एक बना के रखा हूँ टेक्स्ट के लिए, हम लोग यहाँ पे स्विच हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा पहले से वर्ड टेक्स्ट टाइप करा हुआ है। ठीक है, अब समझ लीजिए ये वाला जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाली लाइन जो है मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए थी, मुझे ये जो लाइन है इसके बाद चाहिए थी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक तो आप क्या करोगे पहले यहाँ से डिलीट कर दोगे, फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मगर उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन यूज़ करते हो। जब आप अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे तो आपका क्लिपबोर्ड का ऑप्शन हाईलाइट होगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ से हटा के वहाँ पे लिखना है तो यहाँ आप कट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे भी रखना है ये वाला टेक्स्ट और यहाँ पे भी चाहिए तो आप कॉपी का यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग फिलहाल कट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप कट जैसे क्लिक करोगे यहाँ से आपका टेक्स्ट चले जाएगा, फिर आप जहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट करते हो वहाँ पे आपका जो है पेस्ट हो जाएगा। अगर आप कॉपी का यूज़ करते हो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप रख के अगर पेस्ट करोगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो मैं यहाँ से स्टेप्स में जो मैं पीछे जा रहा हूँ यह आप कर सकते हो। यहाँ से कंट्रोल जेड यानी कि अंडू का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट का जो है यहाँ पे अगर आप वर्ड पैड में जब आप कोई हिस्सा सिलेक्ट करते हो, ठीक है, ये वाली लाइन मुझे थोड़ी अलग फ़ॉन्ट में चाहिए तो आप ले सकते हो। ये वाली लाइन सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपको यहाँ से कोई भी आप ले सकते हो, जो भी आप कुछ यहाँ पे आपको बता देगा। सैंपल देखो, आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हो। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, देखो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। अगर मुझे कोई और चाहिए तो मैं यहाँ से कोई और भी ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे कोई एरियल चाहिए, मैंने एरियल ब्लैक ले लिया हो, ठीक है, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, यहाँ से एरियल भी ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से मुझे बोल्ड का ऑप्शन दिखाते हैं। जो बोल्ड है यहाँ पे, जैसे मैं हटा रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे सिमिलर टेक्स्ट है। अब मगर मैं इसको बोल्ड कर दूंगा तो आप देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा, यानी कि उसकी आउटलाइन जो है थोड़ी मोटी हो गई है। ठीक है, थोड़ी विड्थ बढ़ गई है उसकी। यहाँ से अगर आप बोल्ड करोगे तो वो होगा। इटैलिक पे रहोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सीधा रखना है तो सीधा रखिए, टेढ़ा रखना टेढ़ा। उसके बाद जो है आपका आता है अंडरलाइन का ऑप्शन। जो है जितना आपका जो टेक्स्ट है आपको उसको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है आपका आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू जो है यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। ठीक, ऑप्शन भी देख लीजिए, देखो ऐसा होता है। ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रू चाहिए तो स्ट्राइक थ्रू भी ले सकते हो। ठीक है, आपको पता है हम लोग जब एग्ज़ाम में लिखते हैं फर्स्ट ST लिखते हैं। ठीक है, जो ST लिखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ना, तो उसको वैसा देने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो टेक्स्ट को आपको वैसा लिखना है तो क्या कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, जैसा आप ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा रहेगा, और क्या करता है सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, ऊपर डाल देता है। तो देखिए जैसा फर्स्ट हम लोग लिखते हैं वैसा दिख रहा है। ये ज़्यादातर फॉर्मूलेज वगैरह में काम आता है, अगर आपको फॉर्मूलेज वगैरह लिखने हैं तो यहाँ पे आपको काम आ जाएगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ से ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने का, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं जितना ज़्यादा लूँगा उतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे इसकी टेक्स्ट की साइज़ बड़ी करनी है, 16 पे रख दिया मैंने।
नाइन पे रखना, नाइन पे रख दीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से एक क्लिक के ऊपर कर सकते हो आप, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार। ये वाले एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बड़ा होगा, यहाँ से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट कलर सिलेक्ट करो, यहाँ से आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर ले सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से रेड कलर चाहिए तो मैंने रेड कलर में इसको टेक्स्ट को डाल दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है टेक्स्ट हाईलाइटर। टेक्स्ट हाईलाइटर क्या होता है, जैसे हम लोग हाईलाइटर का यूज़ करते हैं, जो टेक्स्ट होता है उसको हाईलाइट करना है। जैसे मुझे ये वाला जो है इतना मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं हाईलाइटर पे जाता हूँ, आपको जो येलो मुझे येलो में करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हो, दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। यहाँ से आपका टेक्स्ट कलर हो जाता है और यहाँ से आपका जो है हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पैराग्राफ के ऑप्शन पे आ जाते हैं। पैराग्राफ के पहला ऑप्शन जो है वो आपको दिखाएगा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट में क्या है, सबसे पहले हम लोग इंक्रीज इंडेंट देखते हैं। अब तो पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लिया, इंक्रीज इंडेंट करूँगा तो ये जो मेरा है पैराग्राफ जो है आपको दिख रहा रहेगा वो इधर से साइड में जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ में जा रहा है, देख रहे हो। ठीक है, मैंने जो मैंने सिलेक्ट किया हूँ वो उस पर हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं इस पर अंडू करता हूँ इसको, हम लोग यहाँ पे कर्सर रखते हैं, यहाँ पे कर्सर रख के आप इंक्रीज करोगे तो ये लेफ्ट से राइट चले जाएगा और डिक्रीज करोगे तो वापस से अपनी सही जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर पोएम्स वगैरह लिखने पे यूज़ होता है, आपको थोड़ा सा इधर उधर करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन है, उसके बाद है हमारा अलाइन का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास चार तरीके अलाइनमेंट रहते, तो वो देखने के लिए हम लोग पहले पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का डिफ़ॉल्ट रहता है वो होता है लेफ्ट। अगर आपको मिडल में चाहिए तो दिख रहा होगा आपको मिडल में आ गया है ये। उसके बाद अगर आपको राइट में चाहिए तो राइट से लिख के आ जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ से ऐसा शुरू हो रहा है, ये वाला लेफ्ट से, ये वाला राइट से। अगर आपको फिर से मिडल में चाहिए तो मिडल में ले सकते हो। अगर आप जस्टिफाई पे रखोगे तो देखिए जस्टिफाई में क्या होता है, ये सारे जो है वो एकदम सही लाइन पे आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा रहेगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला थोड़ा ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो वो जस्टिफाई में नहीं होगा, वो एकदम लाइन से ले लेगा। दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा फ़र्क। उसके बाद जो आता है वो है नोट्स। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार लिख दिया हूँ, फिर इसके बाद मून लिख दिया हूँ, मून सन, ठीक है, सन स्टार मून सन लिख दिया। ये सन मैंने लिखने के बाद अब ये तीन जो है मुझे थोड़ा सा ना पॉइंट के हिसाब से चाहिए, तो क्या कीजिए आप, पहले तो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ये है नोट्स। ठीक है, यहाँ पे आप नोट्स दे सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको बुलेट्स दे सकते हो, यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो, ABCD लिख सकते हो, ABCD बड़े में लिख सकते हो, रोमन नंबर दे सकते हो, तो मैं 1 2 3 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सन में एंटर करूँगा, जैसे ही आपको चौथा नोड आ जाएगा, आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको नोड का समझ में आ गया होगा, जैसे ही आप एंटर करोगे लिख के वो दूसरा नोड अपने आप ले लेगा। अगर आप टेक्स्ट बिना लिखे एंटर करोगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया रहेगा आपको। उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। उसके बाद जो है मुझे ये वाला ऑप्शन आता है वो है पैराग्राफ। अब ये जो है ये सारे पैराग्राफ को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको अगर ये सारे पैराग्राफ एक ही साथ सिलेक्ट करने बिना कर्सर के यूज़ किए तो आप कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप पैराग्राफ ये वाला दे दोगे, यहाँ से ओके कीजिए, यहाँ से देखिए आपका पैराग्राफ में वो छट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट में 1 ले लो, ओके कीजिए। देखो पैराग्राफ जो है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच थोड़ा हट गया है। देखो यहाँ पे लेफ्ट से था, अगर आपको समझ लो यहाँ पे मुझे लेफ्ट में 0.5 देना है और यहाँ से राइट से भी मुझे 0.5 देना है तो ओके कीजिए, आपका जो है थोड़ा पतला हो गया, दिख रहा है आपको फ़र्क दिख रहा होगा। उसके बाद हमारा आता है इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट के ऑप्शन में आप पिक्चर्स ले सकते हो, आपके अगर आपके इसमें पिक्चर है, जैसे मुझे मेरे पास ये वाली पिक्चर्स है। ठीक है, ये वाली पिक्चर जो है मैं ये ले सकता हूँ, ओपन कीजिए, आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हो इमेज को। ठीक है, याद रखना आप इस इमेज को इधर उधर नहीं ले सकते हो। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, यहाँ पे आप ले सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, मगर आप
ठीक है, इसको आप ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है, आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, वो आपके ऊपर है, आप कैसा करना है, ठीक है। अगर आप जो पेंट में है आपका, पेंट में बना के आपको लेना है तो आप पेंट में बना के भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ तो देखिए मेरा जो पेंट का वो है वो मुझे यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको आज की डेट चाहिए तो आप एंटर करके जहाँ पे चाहिए आप डेट एंड टाइम पे क्लिक कीजिए, आपको वो डेट एंड टाइम का वो दे देगा। आप कौन से फॉर्मेट में चाहिए वो आपके ऊपर है, आपको जो चाहिए वो लीजिए, आपका यहाँ पे डेट दिखा देगा, ठीक है। डेट एंड टाइम, ये ऑब्जेक्ट जो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको अगर अलग अलग एप्लीकेशन से लेना है, जैसे मुझे कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप से वगैरह लेना है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। उसके बाद जो आता है हमारा एडिटिंग का ऑप्शन, इसमें आपको दिखाया जाएगा फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। फाइंड का ऑप्शन क्या होता है, जैसे आपको कोई एक वर्ड ढूंढना है, जैसे मुझे ढूंढना है वीडियो, वीडियो मैंने क्लिक किया, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक वीडियो है, फिर से मैं फाइंड करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे वीडियो है, यहाँ पे वीडियो है, यहाँ पे वीडियो है, देखो इतना ही है, ठीक है। अब समझ लो ये जो वीडियो है, मुझे वीडियो वर्ड को रिप्लेस करना है मूवी से या फिर किसी और से, तो इसको फिलहाल के लिए कट कर दीजिए। यहाँ से रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए वीडियो मैंने फाइंड नेक्स्ट में, अब आपको किससे रिप्लेस करना है, जैसे मुझे स्टार से रिप्लेस करना है, मैंने स्टार लिखा, यहाँ से आप अगर आप रिप्लेस करोगे तो देखिए यहाँ पे था स्टार से रिप्लेस हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इतना ही है, ओके कर दो, आपका रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन जो है आप कंट्रोल ए से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपका होम मेन्यू बार हो चुका है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद जो है आपका व्यू मेन्यू बार है, व्यू मेन्यू बार में ज़्यादातर कुछ है नहीं देखने का। आप जूम इन, आपको जूम इन करना है तो आप जूम इन कर सकते हो, आपको जूम आउट करना है तो आप जूम आउट कर सकते हो, आप इसका ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हो, जो आपको स्टेटस बार में मिल जाएगा, जूम इन करोगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। आपको 100% पे रखना है, जैसे मुझे ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, तो आप क्या कर सकते हो 100 तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूलर, रूलर यानी कि ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, इसको हटा दूंगा तो हट जाएगा, टिक हटा चालू कर दूंगा तो आ जाएगा। स्टेटस बार जो यहाँ पे ये है, ये हटाना है तो आपको ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड रैप, वर्ड रैप जो है आपको कोई भी रैप नहीं रखना है, तो देखिए ये सब सिंगल हो जाएगा। अगर आप वर्ड रैप करोगे, रैप विंडो करोगे, तो ये जो विंडो है उसके जितना रैप हो जाएगा, उसके बाद रैप रूलर करोगे तो रूलर जितना रैप हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्केल है ये अभी कौन से यूनिट में आपको देखना है, इंचेस में है, आपको सेंटीमीटर्स करना है, पॉइंट्स में करना है, पिक्सल्स में करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है आपको उसको सेव करना है, तो आप कहाँ से कर सकते हो, फाइल मेन्यू बार पे जाके यहाँ से पहले सेव एज करना है। सेव एज पे जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नहीं, मुझे कोई भी नाम से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार, यहाँ पे मैंने स्टार, स्टार डॉक्यूमेंट लिख दीजिए या फिर डॉक लिख दीजिए, आपको जो चाहिए यहाँ से सेव कर दीजिए। ये अभी हम लोग फिलहाल इसको क्लोज करते हैं, अब हम लोग जाके देखेंगे कि यहाँ पे मेरा स्टार डॉक्यूमेंट खुल चुका है, ठीक है। अब वर्ड में, वर्ड पैड में आप जो भी बनाओगे, आप सेव करने के बाद आपके किस में खुलेगा, ये आपके वर्ड में खुलेगा, ठीक है, ऑफिस वर्ड में यानी कि एमएस वर्ड में खुलेगा। आपको उसको हटाना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना, आपको यहाँ से जो चेंज करना है, ठीक है, यहाँ से चेंज का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको वर्ड पैड पे क्लिक करना है, ओके करना है, और यहाँ से आपको अप्लाई करना है, ओके कर दीजिए। यहाँ से स्टार डॉक पे जाइए, अब आपका वर्ड पैड में खुलेगा, ठीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पे मैंने जैसे मैंने यहाँ पे कोई लिस्ट बना दिया या फिर कुछ भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे मुझे इसको भी मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, तो मैंने बताया था चेंजेस आपको सेव करना है इसमें, तो आप यहाँ से सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे स्टार डॉक पे जाइए, देखिए आपका जो दो आपने ये ऐड किया था वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से और भी ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू है, आपको एक न्यू वर्ड का डॉक्यूमेंट चाहिए तो न्यू पे क्लिक कर दीजिए, आपका न्यू आ जाएगा। यहाँ से अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप डॉक ओपन भी कर सकते हो, जैसे डेस्कटॉप पे है मेरा स्टार डॉक करके लिखा होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार डॉक ओपन कीजिए, यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सेव और सेव एज बता दिया, आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ से कौन से इस पे देना है तो आप प्रिंट कर सकते हो, पेज वगैरह वो सब,
उसके बाद आपको यहाँ से ईमेल के द्वारा सेंड करना है तो ईमेल के द्वारा भी सेंड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको वर्डपैड एग्जिट करना है तो आप यहाँ से भी क्लोज करके कर सकते हो और यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।